चीमा साहब हाई कोर्ट भी जा सकते नहीं उस जो इलेक्शन कमीशन उन्होंने भी गल कर रहे हैं ये इलेक्शन कमीशन का फैसला है साडा फैसला नहीं है ये इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस की इलेक्शन उन्हें ही सारे प्रोग्राम कहते तीन दिन समा पा के हो सकता कि सू कोई फर्क नहीं है भावें उस दिन करा लेन इलेक्शन 4 बजे खत्म होती है 4:30 बजे गिनती करा सानू कोई मतलब नहीं इस गल का यह इलेक्शन कमीशन चैलेंज है वो इलेक्शन कमीशन गल कर यह जी है किसानी अंदोलन जान बुझ के इलेक्शन कराई गया नहीं तो साढ़े वाल तो बहुत आगू आने से कांग्रेस के भी अकाली दल के भी होर भी कौन जोशी जिहड़ा अवनीत बीजेपी का कोई नहीं लोग जानते हैं तुम पंजाब इलेक्शन लड़ो कोई फिर तुम्हें दसणगे वो कह रहे भी असं तो 23 सीटा इतने जितों भूपेश अग्रवाल ने जित लैन यार लोगों ने भाजी वोटा पाया ने पता लग जाएगा खट ते निक्की दे मापे की देंदे ने पता लग जाएगा ना भी लोग वोट किनू पाते हैं तो पता रिजल्ट लग जाएगा मैं गल्ला मारी जावा वो गल्ला मारी जावा किसी की कोई वैल्यू नहीं नाभे की जनता ने फैसला करना किनू वोटा सुरजीत रखड़ा के भरा दर्शन धारीवाल नू भी जिहड़ा NIA ने एयरपोर्ट ते 3 घंटे पुछगिछ कीती है किस तरह की गल्ल है वड्डे लोगों दी वड्डियां गल्लां ने पैसे वाले बंदे ने उधर सरकार भी महंगी आ इस गल नाल मैं समझदा कि जिहड़ा किसी नू भै दे की दबाव थले करना गलत है अगर कोई जायज़ गल है तो ठीक है अगर ये जे तुसी लोगों नू दबा के डरा के किसानां दे मुद्दे तो वांझे करोगे पासे करोगे एक दई जित चलनी नहीं खालसा एड्स को एक पासे का नोबल शांति नोबल पुरस्कार दिता है दूजे पासे NIA उन्होंने समन कर रही है भी थोड़े खालिस्तान नाल रिलेशन है हो रहा है की कहना चाहते मैं किसी खालिस्तानी के नाल नहीं जे कोई नजायज़ किस पर दबाव पैदा तो उन्होंने मैं निंदा उसकी मैं आलोचना करदा जे कोई खालिस्तानी है वो नाल मैं नहीं हाँ ठीक है किसानी दे नाल हाँ जिहड़ा किसानां दी मदद करदा उहदे नाल केंद्र तुहानूं लगदा कि झुकदी जिहड़ी नज़र नहीं आ रही तां करके NIA एजेंसियां दे वल्लों उहनां नूं फैसला यार पहलां भी कई वारी कह चुके हाँ देखो मोदी साहब नूं देश दे प्राइम मिनिस्टर ने कल्ले अंडानियां बानियां देनियां कि अज पूरा देश देखो किसान कल्ला नहीं किसान मजदूर अपना आड़तिया ट्रांसपोर्टर लेबर वाले फिर सारे तो लोग सैलर मालक सारे इस पर निर्भर करते हैं सारे लोग नाल ने अज इस देश की जनता में मोदी साहब नू सलूट करके काले कानून वापस ले लेने चाहिए 26 जनवरी जी ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं दिल्ली के बिचों कहते भी करा जो सुप्रीम कोर्ट फैसला जो साढ़े खिलाफ भी लगे कि जज करते लगता भी करना चाहिए नहीं नहीं सुप्रीम कोर्ट या होर इन फैसलों तो सारे सलाम करना चाहिए लेकिन पर जो कोई शांतमई दे अपने उत्थे ही रह के करते ने किसी नूं डिस्टर्ब नहीं करते तो किसी नूं इतराज़ नहीं होना चाहिए वो तो कह रहे नहीं असीं किसी तरह का कोई शांति भंग नहीं करा ना कोई हथियार लेके आजाद हिंदुस्तान है शांतमई ढंग करन वाला रोस सब नूं हक है लगता भी थोड़ा रोक सकते हूँ पुलिस से नहीं रोकणगे नहीं रोकणगे उन्होंने साफ कहता मैं उहदा भी देख लिया सी राज्यवाल साहब का और अग्राह साहब का सारे सुनिया मैं उन्होंने दस्या भी शरारती बंदे साढ़े च नहीं चाहिए असी कोई शरारत नहीं करना चाहते असी कोई जे खालिस्तान मंगना अपना जाके होर कितने मंगे ये किसानों के मजदूरों का मुद्दा इस कोई विघन ना पावे असी जो भी करना है रिंग रोड से शांति के नाल ही करा अकाली दल च बगावत शुरू हो गई सबका मेयर जेडे मोहाली दे ने कुलवंत सिंह उन्हूं पार्टी तो बाहर करता ते कुछ नहीं है उन्हां दी अंदरों गंढ तोपा मैनूं लगदा है हाँ भी कुछ तुसीं जित्या कुछ असीं जित्या होए उन्हां दी गल सिरे नहीं लगनी है दोनों ही हार जाणगे वो भी हार जाएगा कांग्रेस उत्ते 100% जित्तेगी।